बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस प्रीव्यू में देख कर ही आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर जो है वीडियो होने वाली है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि किस तरह से जो है वीडियो को बनाना है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो गाइस अपने मोबाइल में भी एन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल से गाइस आपने प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है। देन गाइस आपने फोटो वाले ऑप्शन में जाके आपने जो है कोई सा भी एक क्यूट सा पिक को ऐड कर लेना है। पिक ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने वीडियो के लास्ट में चले जाना है। देन इस ब्लैक लेयर को जो है सिंपल से डिलीट कर देना है। देन गाइस आपको ऊपर में एक ओरिजिनल वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपने जो है कुछ इस तरह से अपने पिक पे टैप करना है। देन इस लास्ट वाले कॉर्नर को पकड़ के कुछ इस तरह से इसका ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर लेना है। इतना हो जाने के बाद सिंपल से गाइस अभी आपको नीचे सिंपल से बी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देन इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है। देन गाइस कुछ इस तरह से अपने फिंगर के हेल्प से जो है इस पिक पे टैप करना है। देन इस कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। देन गाइस आपने फिर से बीजी वाले ऑप्शन में जाना है। देन ब्लर को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना है। देन राइट क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद सिंपल से गाइस अभी एक आपको ग्रीन टेम्पलेट को ऐड करना होगा। तो गाइस उस ग्रीन टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका सिंपल है, नंबर 3 वाले प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। देन वीडियो एंड फोटो पे जाना है। देन गाइस आपने फोटो वाले ऑप्शन में जाके उस ग्रीन वो ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस नीचे आपको फिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। देन गाइस आपने जो है इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से एंड तक बढ़ा लेना है। इतना करने के बाद सिंपल से गाइस आपने जो है वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट होने में कुछ सेकंड का टाइम लेता है। तब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनली जो है गाइस हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, तो अब हम इसे डन पर क्लिक करते हैं। देन गाइस आपने फिर से प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। देन न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। देन गाइस आपने फोटो वाले ऑप्शन में जा के अगेन उसी पिक को ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपको सेम स्टेप इस लास्ट में आना है। देन ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना है। देन फोटो पे टैप करना है। देन इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से जो है इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ हो जाने के बाद सिंपल से आपको ऊपर पे ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। देन 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद सिंपल से गाइस अभी अभी आपने जो है VN ऐप से वीडियो को एक्सपोर्ट किए हो उस वीडियो को जो है ऐड करना होगा। तो गाइस ऐड करने का तरीका सिंपल है, नंबर 3 वाले प्लस वाले आइकन पे टैप करना है। देन वीडियो एंड फोटो पे जाना है। देन गाइस आपने उस वीडियो को ऐड कर लेना है। वीडियो ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने स्क्रॉल करना है। देन गाइस आपने फिल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। देन आपने जो है इसे पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है। देन गाइस आपने क्रोमा वाले ऑप्शन में जाके आपने जो है इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेना है। देन राइट क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने जो है इस पिक पे टैप करना है। देन आपको जो है अपने 2 फिंगर के हेल्प से अपने जो है इसी पिक को कुछ इस तरह से जो है एडजस्ट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद सिंपल से गाइस अभी एक ब्लैक शेडो PNG का यूज़ किया हूँ। तो गाइस उस ब्लैक शेडो PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका सिंपल है, नंबर 3 वाले प्लस वाले आइकन पे टैप करना है। देन वीडियो एंड फोटो पे जाना है। देन गाइस फोटो वाले ऑप्शन में जाके आपने जो है इस ब्लैक शेडो PNG को ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने फिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन इसको कुछ इस तरह से जो है अपने इसे नीचे की साइड में ले आना है। देन गाइस आपने इसे इसका भी ड्यूरेशन को एन तक बढ़ा लेना है। देन गाइस अभी एक आपको म्यूजिक प्ले वीडियो को ऐड करना होगा। तो गाइस उस म्यूजिक प्ले का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका सिंपल है, नंबर 3 वाले प्लस वाले आइकन पे टैप करना है। देन वीडियो एंड फोटो पे जाना है। देन गाइस आपने जो है उस म्यूजिक प्ले वीडियो को ऐड कर लेना है। म्यूजिक प्ले वीडियो ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। देन गाइस आपने जो है स्क्रीन सिलेक्ट कर देना है। देन राइट क्लिक कर देना है। देन गाइस इसका साइज को आपको कुछ इस तरह से जो है यहाँ से बड़ा कर लेना है। देन गाइस कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे इसे सेट कर देना है। इतना हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपको अभी एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना होगा। तो गाइस उस लिरिक्स वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका सिंपल है, नंबर 3 वाले प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। देन वीडियो एंड फोटो भी जाना है। देन गाइस आपने जो है उस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है।
ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। देन गाइस आपने स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक कर देना है। देन गाइस आपने जो है कुछ इस तरह से थोड़ा सा वीडियो को जो है प्ले कर लेना है। इतना हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने जो है इस लिरिक को कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे जो है आपने सेट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद सिंपल से गाइस अभी एक आपको पार्टिकल वीडियो को ऐड करना होगा। तो गाइस उस पार्टिकल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका सिंपल है, नंबर 3 वाले प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, देन वीडियो एंड फोटो पर जाना है। देन गाइस आपने जो है उस पार्टिकल वीडियो को ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद सिंपल से गाइस आपने नीचे फिल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाके आपने जो है इसे स्क्रीन सिलेक्ट कर देना है, देन राइट क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद सिंपल से गाइस हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।